हेलो डियर सब्सक्राइबर एंड ऑल माय चैनल विजिटर्स प्रेजेंटेड बाय सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल आई हाईली रिकमेंड टू ऑल माय पेज विजिटर्स एंड सब्सक्राइबर्स टू वॉच फुल वीडियो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसा नहीं बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यदि आप शुरू से अंत तक जरूर देखते हैं तो आपको जरूर इससे आपको भी प्रॉफिट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो सभी में ये काम आएंगी। तो चैनल में यदि आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें ताकि सभी पब्लिश वीडियो आपको टाइम पे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट लॉस ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर वन, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं तो मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड कब होगी तो आपको इसमें आंसर देखने हैं। जैसे ऑप्शन ए में 2%, इसमें है 4%, सी में 6% एंड 4%। तो सबसे करेक्ट आंसर जो होगी इसकी ये होगी 4%। आंसर 1 बी। ओके, व्हाट इज बल्किंग ऑफ सैंड। ये बल्किंग ऑफ सैंड होती क्या है ये हम थोड़ा डिस्कस कर ले, देन इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। बल्किंग ऑफ सैंड मीन्स इट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट इज नोन एज बल्किंग ऑफ सैंड। जैसे आपने यहाँ देखा पिक्चर में ये सैंड है तो सैंड ये जब ड्राई होगी देन इट्स वॉल्यूम इज ओके एंड इट इज एक्सेप्टेबल। बट जब कभी भी इसमें जब मॉइस्चर पेनिट्रेट करते हैं तो क्या होगी, जो हमारे ओरिजिनल सैंड के जो पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं सैंड की, उसके सैंड के चारों तरफ एक वो फिल्म बनाएगी। ओके, और जब भी फिल्म बनाएगी ड्राई पार्टिकल्स के अंदर सैंड के, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन टू पार्टिकल्स व्हिच इज कवर्ड विद द मॉइस्चर लाइक दिस देन इट विल बल्क। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर वन में देखा कि ऐसा नहीं कि बल्किंग बहुत, अगर आप 6% 8% अगर इसमें पानी डालते हैं देन बल्किंग ऑफ सैंड विल रिड्यूस्ड, मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड विल रिड्यूस्ड। बस सबसे ज़्यादा बल्किंग ऑफ सैंड कब होती है, जैसे हमने देखा है विच इज अराउंड 4% मॉइस्चर कंटेंट यदि सैंड में आती है देन इट्स क्वांटिटी विल बी इंक्रीज मैक्सिमम। तो हम देखते हैं कि जनरल साइट पे देखते हैं कि हम कोई भी जब कास्टिंग करते हैं कॉन्क्रीट की आरसीसी की, यदि सैंड में अगर मॉइस्चर है तो हम जनरल 10-15% हम सैंड बढ़ा देते हैं सो दैट इट विल कवर द एपरेंट वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ द सैंड। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल टेंशन इन द बीम, ये क्या होती है। तो डायगोनल टेंशन इसमें हमारे चार ऑप्शन दिए हुए 1, 2, 3 एंड 4, चार ऑप्शन है हमारे ABCD। इसको आपको करेक्ट आंसर आपको इसमें निकालना है, इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस और डिक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, और सी में है इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, और डी में है रिमेन द सेम। तो डायगोनल टेंशन क्रैक जो बीम में होती है, इट इज एक्चुअली डायगोनल टेंशन क्रैक ओके इन द बीम। ये जो ऑप्शन आपका सी है दिस इज द करेक्ट आंसर। बीम की डायगोनल टेंशन जो होती है ये इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो आगे हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो न्यूट्रल एक्सिस, पहले हम डायगोनल टेंशन के बारे में देख लेते हैं, व्हाट इज डायगोनल टेंशन। सो डायगोनल टेंशन इन द बीम इज टाइप ऑफ फेलर मोड दैट अकर व्हेन शियर स्ट्रेस इन द बीम एक्सीड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। तो जैसे कि आप जैसे देखते हैं बीम में, जैसे बस बीम है ये, तो ये सपोर्ट है
दिस इज सपोर्ट, तो L by 4 के आसपास दोनों साइड से सपोर्ट से इसमें क्या होती है, मैक्सिमम शेयर इसमें डेवलप होती है अराउंड द सपोर्ट। तो यदि शेयर स्ट्रेस, शेयर रेनफोर्समेंट सही तरीके से नहीं कैलकुलेट किया गया तो क्या होगी, शेयर स्ट्रेस क्या होगी, हमेशा बीम में जो है एक्सिट कर जाएगी, देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। जब भी शेयर स्ट्रेस जब एक्सेस हो जाएगी बीम में तो क्या होगी, ये डायगोनल क्रैक के रूप में आपको दिखाई पड़ेगी, लाइक दिस, हियर यू सी द डायगोनल टेंशन क्रैक्स इन द बीम। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस होती है हमेशा न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस विच इज अप्रोक्सीमेटली सेंटर ऑफ द बीम, और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड अपॉन वेदर अबव और बिलो, इफ इट इज अंडर इन्फोर्समेंट ओवर इन्फोर्समेंट। तो जो न्यूट्रल एक्सिस होती है, ये जो डायगोनल टेंशन होते हैं, ये दिस डायगोनल टेंशंस ऑलवेज प्रोपगेट फ्रॉम बिलो द न्यूट्रल एक्सिस हियर मैक्सिमम, एंड धीरे धीरे जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में जो एक कंप्रेशन जोन होती है, दिस इज टेंशन जोन, दिस इज कंप्रेशन जोन, तो कंप्रेशन जोन में धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाती है। तो हियर योर ऑप्शन सी, इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, द डायगोनल क्रैक्स इन द बीम। हियर इज द एक्चुअल साइट, यू सी हियर प्रोपोगेटिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ द बीम एंड गोइंग अक्रॉस, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस अप्रोक्सीमेटली, देन इट विल रिड्यूसिंग एट टॉप ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, सो दिस इज द डायगोनल क्रैक इन द बीम व्हिच इज अकर्ड व्हेन देयर इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप इन द बीम कंपेयर टू द टेंसाइल स्ट्रेस इन द बीम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, ओके, द लिमिट स्टेट मेथड डिफाइन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एज पर आईएस कोड 456/2000। तो आपको ये डिफाइन करना है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, तो आप सी द क्लॉज नंबर 35(2) इन द आईएस कोड 456/2000। द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कुड बी एसेस फ्रॉम द रैप्चर ऑफ वन और मोर क्रिटिकल सेक्शन एंड फ्रॉम बकलिंग ड्यू टू इलास्टिक और प्लास्टिक इन स्टेबिलिटी इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ स्वे वेयर अप्रोप्रिएट और ओवरटर्निंग। तो जब भी बीम डिजाइन करते हैं यू गेट सर्टेन वैल्यूज, और उसको हम बीम के कई क्रिटिकल सेक्शन को हम डिसाइड करते हैं, और हर एक क्रिटिकल सेक्शन पर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज असेस्ड फ्रॉम द रैप्चर ऑफ 2-3 क्रिटिकल सेक्शन पर लेकर के ड्यू टू बकलिंग, ड्यू टू इलास्टिक और प्लास्टिक इन स्टेबिलिटी, सभी को ध्यान में रख करके और ओवरटर्निंग सभी को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, इसको लिमिट ऑफ कोलैप्स की वैल्यू निकालते हैं। फर्दर द रेजिस्टेंस टू बेंडिंग शेयर टेंशन एंड एक्सियल लोड एट एवरी सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन द एप्रोप्रिएट वैल्यू एट द सेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोबेबल मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड ऑन द स्ट्रक्चर यूजिंग द एप्रोप्रिएट पार्शियल फैक्टर सेफ्टी। तो जो एप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होते हैं लिमिट ऑफ कोलैप्स में, लिमिट स्टेट डिजाइन में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज गिवन इन द कोड। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456/2000, द कॉलम ऑफ और स्ट्रट इज द मेंबर होज इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन, इसमें चार ऑप्शन है, द लीस्ट लेटरल डायमेंशंस, 2 times the least lateral dimensions, 3 times the least lateral dimensions, 4 times the least lateral dimensions। तो कलम की एक एक्चुअली डेफिनेशन आई एस कोड में आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि कोई कलम है, सपोज ए 300x400 की एक साइज की एक कलम प्लान में दिया हुआ है, ओके,
तो ये कलम की डिफिनेशन किस में आएगी? तो जिसकी अगर जैसे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है थ्री टाइम्स द लीस्ट लेटर डायमेंशंस, इसका अर्थ यह हुआ कि लीस्ट यहाँ पर मैं लीस्ट लेटर डायमेंशन यहाँ पर क्या हुई, लीस्ट डायमेंशंस 300 हुई। ओके, उससे आप तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन इट इज 900। ओके, 900 mm। तो कोई भी यदि आप RCC की जो कोई भी स्ट्रक्चर है इन फॉर्म ऑफ बीम और कलम, तो अगर 900 से अगर इसकी जो हाइट होगी, दिस इज द हाइट, इफेक्टिव हाइट, यदि इट इज ग्रेटर देन 900, ओके, थ्री टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कलम जो कि 300 है, तो जब 900 से जब भी ये ऊपर होगी, ओके, देन इट विल डिफाइन एज कलम। ओके, और इसकी जो भी मेजरमेंट्स है, जो उसकी डिजाइन है, वो अकॉर्डिंग टू कलम होगी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन शेयर स्ट्रेस एक्सीड द परमिसिबल लिमिट इन द स्लैब, देन इट इज रिड्यूस्ड बाय। कभी भी जब भी बीम में यदि शेयर स्ट्रेस ज़्यादा आ रही है आपकी, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बीम की डेप्थ को इंक्रीज करेंगे या प्रोवाइडिंग शेयर इन्फोर्समेंट ज़्यादा दे देंगे यूजिंग हाई स्ट्रेंथ स्टील और यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर्स। तो आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं क्या होती है कि जरूर से ज़्यादा शेयर स्ट्रेस जब भी लोड के कारण बढ़ रही है आपके डिज़ाइन में, तो सबकी लिमिटेशन है। तो उस केस में स्लेब की क्या करेंगे, हम डेप्थ को बढ़ा देंगे। ओके, सो व्हेन शेयर स्ट्रेस एक्सीड द परमिसिबल लिमिट इन स्लेब डिज़ाइन में, तो आप शेयर स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं सिंपली इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द स्लैब। ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7। द डायमीटर ऑफ टाइज इन कॉलम शुड बी, चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जो टाइज होती है कॉलम की, रिंग जिसको कहते हैं हम लोकल भाषा में, ये कितनी होनी चाहिए। तो चार ऑप्शन में इसकी सबसे एक्यूरेट आंसर जो होगी, दिस इज ऑप्शन डी, मोर देन 5 mm एंड ऑल्सो मोर देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन बार। जैसे मेन बार आपको 16 mm है, सपोज वर्टिकल जो बार होती है कलम की, उससे चार से डिवाइड कर दीजिए और 5 mm जो मिनिमम होना चाहिए, वो दोनों में जो सबसे ज्यादा होगी, दैट विल बी द डायमीटर ऑफ द टाइज। हियर 16/4 इज इक्वल टू 4 mm और 5 mm आपका एक आई स्कोर कह रहा है, तो 4 mm 5 mm, तो ज़्यादा आपकी 5 mm होगी, तो 5 mm आप टाइज की डायमीटर रखेंगे फॉर द पर्टिकुलर कलम। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हम दूसरे मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो काफ़ी यूजफुल होगी हम तुरंत ही लाने वाले हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, कमेंट डाल दे, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। मैंने बड़ा एक पब्लिश दिस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।